पीपल्स वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर विजय सिंह गागराई ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जनता की मांग को देखते हुए लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, 24 अक्टूबर को करेंगे नामांकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर और अब खबर विस्तार से। मंगलवार को चक्रधरपुर शहर के पोटका में पीपुल्स वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव सह समाजसेवी डॉक्टर विजय सिंह गागराई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए समाजसेवी डॉक्टर विजय सिंह गागराई ने कहा कि जनता की मांग को देखते हुए विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, जिसको लेकर आगामी 24 अक्टूबर को नामांकन पर्चा दाखिल किया जाएगा। डॉक्टर विजय सिंह गागराई ने कहा कि पिछले 3 सालों से जनता का सेवक बनकर कार्य करते आ रहा हूँ। सामाजिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को लाभ पहुंचाने का काम कर रहा हूं। गुरुजी शिव शिवू सोरेन से आशीर्वाद एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर झामुमो की टिकट से लड़ने का इच्छा जताया था। इसके लिए सदस्यता शुल्क भी 51,000 जमा किया। डॉक्टर विजय सिंह गागराई ने साफ शब्दों में कहा, पार्टी टिकट देती है तो ठीक, अन्यथा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि समाज की विकास, शिक्षा का हब, स्वास्थ्य की समुचित सुविधा, कृषि के क्षेत्र में कार्य और लोगों को रोजगार पहुंचाने के उद्देश्य से चुनाव में खड़ा हो रहा हूं। जनता मुझे विधानसभा भेजने का कार्य करे, हम चक्रधरपुर के दशा और दिशा बदलने का काम करूंगा। डॉक्टर विजय सिंह ने कहा कि आगामी 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को आदिवासी मित्र मंडल से पैदल मार्च करते हुए अनुमंडल कार्यालय में प्रचार नामांकन दाखिल किया जाएगा। पैदल मार्च में सैकड़ों की संख्या में समर्थक शामिल होंगे। मौके पर दयाशंकर केराई, थॉमस पूर्ति, राकेश चौको, सहदेव मुंडा, रामराय सामर, संतोष सिंहदेव, अमित जोको, राजा फहीम, अभिमन्यु प्रधान, इकराम अख्तर, मनोज बांकिरा, बाबू महतो, राणा प्रताप समेत काफी संख्या में समर्थक मौजूद थे। आइए अब देखते हैं डॉक्टर विजय सिंह गागराई ने क्या कहा। को बचाने के लिए 250 सुपर गांव में हमने मॉडल दिया। हम अपना समाज संस्कृति को बचाने के लिए, सभ्यता को बचाने के लिए हम लोगों तक पहुँचे, अपनी सुविधा दिए। इसके अलावा हम ठंड के सीजन में हम 10,000 सुपर लोगों को, कई पंचायतों में हम लोग शिविर लगा के हम लोगों ने ठंड के सीजन में उनको कंबल देकर उनको ठंड से बचाने का प्रयास किया। इसी तरह टाउन में भी हम लोग जो मदरसा है यहाँ पे, जो गरीब माने जो अनाथ बच्चे हैं, उन बच्चों को भी हम लोगों ने अपने संस्था के माध्यम से 72 बच्चों को उनको कंबल दिया। ऐसा कई काम है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो हमको लगता है हर पंचायत से कम 4-5 लोगों को हमने स्वास्थ्य सुविधा देकर उनको तन मन धन से सेवा किया। आज कई लोग आज स्वस्थ हैं, आज जीवन जी रहे हैं। तो ये सब कई ऐसा काम है जिसके बदौलत से मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि पार्टी मुझे यदि मौका देती है तो मैं ये आपको एश्योर करता हूँ आपके माध्यम से कि 200% मैं आज उनको जीत के उनके बोली कर दूंगा। और यदि पार्टी मुझ पर विचार नहीं करती, क्योंकि जनता का डिमांड है, ये मेरा डिमांड नहीं है, आप या तो जनरल से चुनाव लड़िए, यदि पार्टी आप पर निर्णय नहीं करती है तो आप निर्दलीय लड़िए, हम आपके साथ।